Hello everyone, in this video lecture we will see another contention based protocol with reservation mechanism aur wo hai CATA protocol, CATA protocol jisko hum bolte hain collision avoidance time allocation protocol. So it is based on dynamic topology dependent transmission scheduling. काफ़ी simple protocol है. So there are two basic principles of CATA. First is receiver nodes have to inform to the sender node that on which time slot it is currently receiving packets. Similarly, source node must inform potential destination nodes about the interference in the slot. कि receiving node को बताना होता है sender node को कि किस time slot पे वो packets को receive करेगा, और source node को भी बताना होता है बाकी सारी destination nodes को कि कब interference slot में हो सकती है. सेकेंड, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स आर यूज फॉर रिजर्वेशन रिक्वेस्ट एंड कंट्रोल पैकेट ट्रांसमिशंस. सो ये दो इसके प्रिंसिपल्स हैं. अब देखते हैं कि बेसिकली CATA प्रोटोकॉल काम कैसे करता है. सो काफ़ी सिंपल है CATA प्रोटोकॉल को समझना. सो इन दिस ईच फ्रेम इज डिवाइडेड इंटू एस नंबर ऑफ स्लॉट्स, जस्ट लाइक DPRM में, कि जो हर फ्रेम है वो किस में डिवाइडेड है, एस नंबर ऑफ स्लॉट्स में, और ये क्या है, फ्रेम लेंथ. तो लेट अस से दिस इज फ्रेम नंबर वन, तो स्लॉट वन, स्लॉट टू अप टू स्लॉट एस, कि हर फ्रेम एस नंबर ऑफ स्लॉट्स के अंदर डिवाइड हो गया. अब इसमें हर स्लॉट पांच डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है. सो हर फ्रेम फाइव डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइडेड होता है. कौन कौन से हैं, CMS वन, CMS टू, CMS थ्री, CMS फोर, एंड द लास्ट वन इज DMS. और इसमें आप एक चीज नोट कर लीजिए, दैट द लेंथ ऑफ DMS, लेंथ ऑफ DMS इज मच बिगर देन लेंथ ऑफ ऑल द CMS, कि जो इसकी लेंथ होती है वो इन चारों से ज़्यादा होती है. अब देखो ये जो चार हैं, बेसिकली दीज आर द कंट्रोल पैकेट्स, जो CMS वाले हैं वो कंट्रोल पैकेट्स हैं, एंड द DMS जो लास्ट वाला है इसमें, DMS डेट इज फॉर डेटा मिनी स्लॉट, कि जो एक्चुअल डेटा है वो किस में जाएगा, ये जो DMS है इसमें, इसमें जाता है, ठीक है. अब इन चारों जो CMS हैं इनकी अपनी अपनी एक काबिलियत है, इनकी अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है. सो क्या क्या है वो देखते हैं अब इसमें, कि हर नोड को जब डेटा भेजना होता है तो डेटा किस में आएगा, DMS में, तो क्लियर हो गया क्योंकि डेटा मिनी स्लॉट है. तो उसके बाद जब डेटा मिल गया तो CMS वन के अंदर भेजा जाता है स्लॉट रिजर्वेशन पैकेट, स्लॉट रिजर्वेशन पैकेट, डेट इज SR पैकेट. तो CMS वन इज फॉर रिजर्विंग द स्लॉट. देन ड्यूरिंग CMS टू एवरी नोड ट्रांसमिट RTS पैकेट, दैट इज रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट. देन ड्यूरिंग CMS थ्री द नोड ट्रांसमिट CTS पैकेट विच इज क्लियर टू सेंड पैकेट, एंड ड्यूरिंग CMS फोर द पैकेट विच इज सेंट इज NTS, और इसको हम बोलते हैं नॉट टू सेंड, ठीक है. सो ये जो नॉट टू सेंड है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, दिस इज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है. सो दिस इज द फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ CATA प्रोटोकॉल, और इसी तरह से इसमें काम होता है. डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, बेसिकली जब किसी भी नोड को डेटा मिलता है DMS पैकेट में, तो वो अपने CMS वन में स्लॉट रिजर्वेशन करता है, देन क्लियर टू सेंड भेजता, सॉरी रिक्वेस्ट टू सेंड भेजता है CMS टू में, CMS थ्री के अंदर उसको क्लियर टू सेंड मिलता है, एंड CMS फोर में फर्दर नॉट टू सेंड, विच इज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है. तो इस तरह से पूरा ये काम करता है,
And this is suited for, or it supports unicast, broadcast and multicast simultaneously. So simultaneously ये इन सब तरह के ट्रांसमिशंस को सपोर्ट करता है. सो दिस इज कैटा प्रोटोकॉल. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वन मोर कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल विद रिजर्वेशन मैकेनिज्म विच इज हॉप रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, या जिसको हम बोलते हैं HRMA प्रोटोकॉल. सो दिस इज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.